इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सरपंचों की अधिकतर मांगों पर सहमति बनी। सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी। 1000 करोड़ की राशि 5 से 7 दिन में जारी होगी, बाकी की राशि मई जून में हो सकेगी जारी। 15 मई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो सकता है स्थगित। ये तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सरपंचों की अधिकतर मांगों पर सहमति बनी। सूत्र बता रहे हैं 1000 करोड़ की राशि 5 से 7 दिन में जारी होगी, बाकी की राशि मई जून में हो सकेगी जारी। 15 मई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव स्थगित हो सकता है, सूत्र बता रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, सूत्र बता रहे हैं कि सरपंचों की अधिकतर मांगों पर सहमति बनी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सूत्र ये बता रहे हैं कि अधिकतर मांगों पर सरपंचों की सहमति बन गई है। प्रमुख मांग यही थी कि बजट जारी किया जाए, बजट की राशि जारी किया जाए, जिसके बाद में अभी पंचायती राज के ACS अभय कुमार और नवीन जैन के साथ वार्ता चल रही थी, जिसमें 1000 करोड़ की जो राशि है वो 5 से 7 दिन में ट्रांसफर करने पर सहमति जताई है। इसके साथ साथ जो और राशि है वो मई और जून के महीने में जारी होगी। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को कहना है कि अब तक 4000 करोड़ में से 1200 करोड़ की राशि ट्रांसफर हो चुकी है, यानी कि निश्चित तौर पर तकरीबन 2500 से 2700 करोड़ की जो राशि है वो मई जून तक जारी हो जाएगी। और सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ था वो बजट को लेकर के ही फंसा हुआ था। और दूसरी जो मांग है जो केंद्र सरकार से रिलेटेड है, उसमें केंद्र सरकार को खत लिखा जाएगा, केंद्र सरकार से मांग मानी जाएगी। और जिस तरीके से लगातार सरकार भी लगातार कोशिश कर रही थी, और सबसे अहम जानकारी इसमें यह है कि 15 मई को CM आवास का जो घेराव की चेतावनी पंचों ने दे रखी थी, संभवतया वो स्थगित हो सकती है। तो निश्चित तौर पर बड़ा यहाँ पर अपडेट सामने आ रहा है, और निश्चित तौर पर कुछ ही देर बाद में हम जिस तरीके से लगातार जो सरपंचों की मीटिंग है वो अब खत्म हो गई है, अनौपचारिक रूप से वार्ता हो रही थी, तो निश्चित तौर पर अब कुछ ही देर में अपडेट यहाँ पर सामने आएगा कि आखिरकार कब सरपंचों की हड़ताल खत्म हो रही है। ठीक है आशीष, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।